हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कॉज़वर्थी पे, मिल्टन पे एंड ग्रामर के क्वेश्चंस पे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। इसके पहले एक वीडियो आप मिस न किया कीजिए, उसको जरूर देखा कीजिए आप। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 141 देखिए, गॉल्सवर्थी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसे इन टाइटल्ड। ठीक है, तो गॉल्सवर्थी के जो ड्रामा हैं उनके विचार, आइडियाज, विचार पाए गए इन हिज कलेक्शन, उनके जो कलेक्शन है एसे, उनके निबंधों का जो संग्रह है इन टाइटल्ड, तो उसका शीर्षक क्या है, तो वो आपको बताना है। वो है ई, द इनर ऑफ ट्रंक्यूलिटी का मतलब शांति की सराय। ठीक है, शांति का सराय। 142 देखिए, विच प्ले डील्स विद द इन एडिक्यूसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टॉवर्ड्स एंड एस्केप्ड प्रिजनर। क्या कह रहे हैं कि विच प्ले डील्स विद, ये जो प्ले है किससे संबंधित है। ठीक है, प्ले किससे संबंधित है। इन एडिक्यूसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता है, एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टॉवर्ड्स एस्केप्ड प्रिजनर। कह रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के लोगों का दृष्टिकोण एक भागे कैदी की ओर है, तो वो किस प्ले में है, वह किस प्ले से संबंधित है। ठीक है, तो वो है ए, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 143 देखिए, फोरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू, तो ये आपको बताना है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है ए, थॉमस मान्स एंड बुंडेन ब्रुक्स। ठीक है, बुंडेन ब्रुक्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। 144 देखिए, गॉल्सवर्थीज मास्टरपीस इज, ठीक है, 144 देखिए कि गॉल्सवर्थीज मास्टरपीस इज, जो इसका उत्कृष्ट है, ठीक है, उत्कृष्ट कृति है गॉल्सवर्थी का, तो क्या है वो, फोरसाइट सागा है। ठीक है, गॉल्सवर्थी का जो उत्कृष्ट कृति है, तो क्या है, फोरसाइट सागा है। 145 देखिए, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सॉलिट्यूड, यस, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पोएम में कथन प्रकट होता है कि सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, जो एकांत कभी कभी है। ठीक है, सॉलिट्यूड समटाइम्स, एकांत कभी कभी है, द बेस्ट सोसाइटी, सबसे अच्छा समाज है, तो ये किस में है, ये आपको बताना है कि ये लाइन किस पोएम की है, तो बताइए इसको किसकी है, तो ये है पैराडाइज लास्ट। इसका फ्रेंड्स डिस्कस हम लोग कर चुके हैं आगे वाले वीडियो में, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए 146 देखिए, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन ए फेज ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, तो ए है बी, ए बी इसका करेक्ट आंसर है, लास्ट है। 147 देखिए, Who is the hero of Paradise Lost? ये क्या है, सैटन यानी सैतान। फ्रेंड्स देखिए, हो सकता हो आपको ये क्वेश्चन पता हो, लेकिन मैंने ले लिया है क्योंकि रिवीजन करने से, अगर ये क्वेश्चन बार बार आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 148, द फेमस लाइन वॉट द थॉट द फील्ड वी लास्ट ऑल इज नॉट बेस्ट इज स्पोकन बाई। ठीक है, द फेमस लाइन, ये जो फेमस लाइन है, वॉट द थॉट, ठीक है, द फील्ड वी लॉस्ट, कह रहे हैं कि क्षेत्र खो जाना, ऑल इज नॉट बेस्ट, सब अच्छा नहीं है, स्पोकन बाई कौन कहा है, ये आपको बताना है, किसके द्वारा कहा है, ये कहा गया है, तो आप इसको बताइए, ये कहा गया है सी, सैटर्न के द्वारा किया गया है, कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, देखिए
आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन बिलो. ये देखिए फ्रेंड्स ग्रामर के क्वेश्चन, ग्रामर का क्वेश्चन है ठीक है. इसमें पैसेज पैसेज आपको करना है. तो चलिए पहले हम इसका इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद तब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है. देखिए द मॉडर्स हु लेट डाउन देयर लिव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री हैड ए लोफ्टी विजन ऑफ द फ्यूचर. ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मॉडर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स शहीद होता है ठीक है. द मॉडर्स हु लेट डाउन देयर लिव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, कह रहे हैं कि वो शहीद जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ठीक है, उनकी जो भविष्य की जो उनके देश का भविष्य है उसकी जो दृष्टिकोण उच्च हो ठीक है, उनके जो भविष्य की दृष्टिकोण है वो क्या हो, उच्च हो. दे वॉन्टेड टू डे नेशन, यहाँ से देखिए यस दे वॉन्टेड टू नेशन टू बी फ्री ग्रूम ऑल स्लेवरी एंड बॉन्डेज. और क्या कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि उनका राष्ट्र क्या हो, गुलामी और दास्ता से स्वतंत्र हो. दे वॉन्टेड एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज वुड लिव इन परफेक्ट हार्मनी एंड विच देयर वुड बी नो हाई क्लास एंड नो क्लास ऑफ पीपल द कोर्स अनटचेबिलिटी हैविंग बीन विव्ड. और वो क्या चाहते थे फ्रेंड्स कि वो एक ऐसा भारत चाहते थे जिसका समुदाय परिपूर्ण हो ठीक है. यहाँ से फिर से देखिए दे वॉन्टेड टू एन इंडिया, वो एक ऐसा भारत चाहते थे इन विच ऑल, इन विच ऑल द कम्युनिटीज वुड लिव ऑफ परफेक्ट हार्मनी. क्या कह रहे हैं कि जिसका समुदाय परिपूर्ण हो ठीक है, वो ऐसा भारत चाहते थे कि जिसमें समुदाय परिपूर्ण हो एंड परफेक्ट हार्मनी एंड विच देयर वुड बी नो हाई क्लास. और वो ये चाहते थे कि एक महान राष्ट्र निर्माण के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों क्या हों, बराबर हों. और कह रहे हैं कि हाई क्लास एंड नो क्लास के जो यहाँ के लोग हैं वो कोई ऊपर ना रहे ना कोई नीचा रहे, और छुआछूत अनटचेबिलिटी जो छुआछूत हो वह दूर हो जाए आवर कंप्लीटली, वह पूरी तरह से खत्म हो जाए. वोमेन वुड इंजॉय इक्वल राइट्स विद मैन एंड कंट्रीब्यूट दियर फुलेस्ट टू द मेकिंग ऑफ ए ग्रेट नेशन. वो कहते थे कि हमें एक महान राष्ट्र बनाना है कि जिसमें महिलाएं और पुरुषों दोनों क्या हों, समान हो, महिलाओं को भी पुरुषों की तरह समान अधिकार प्राप्त हो, तभी हमारा महान राष्ट्र बनेगा. सच ए विजन वॉज कीपिंग विथ एसेंट ग्लोरी ऑन ए कंट्री रिनन फॉर स्प्लेंडिंग. वो चाहते थे कि जो प्राचीन फ्रेंड्स कि जो प्राचीन ग्लोरी है, यहाँ से देखिए यस एशियंट ग्लोरी ऑफ कंट्री रिमांड. वो चाहते थे कि जो प्राचीन ग्लोरी है उनकी जो उनकी प्राचीन ग्लोरी है उसको वो बनाए रखें, और जो वो एक शानदार देश बनाना चाहते थे. अचीवमेंट इन लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर, वी मस्ट नाउ रिवाइटलिस्ट दिस एशियंट कल्चर ऑफ आवर विथ टॉलरेंस एज इट इज आर्ट एंड कल्चर. साहित्य कला और संस्कृति में क्या हो, उपलब्धियां हो. और वो ये चाहते थे कि जो प्राचीन संस्कृति है हमें इस प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा ठीक है. एशियंट कल्चर को क्या करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि ये मास्टर हेड है. इफ यदि वी फॉरगेट और केस टू टेक प्राइड आवर नोबेल हेरिटेज वी सेल हैव नो फेस सेवर. वो क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसको भूल जाएंगे ठीक है, अगर हम अपनी संस्कृति कला साहित्य को अगर हम भूल जाएंगे तो अपने महान पर गर्व करना बंद कर देंगे तो हमें ही झेलना पड़ेगा. यस झेलना पड़ेगा. यस यस प्राइड नोबल हिस्ट्री टू वी सेल हैव फेस सेवरल
इंडिक्टमेन इन कोर्ट हिस्टोरी विच इज द रूथलेस जज एंड सेल्डम सिफेयर एरिंग ए पीपुल। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स हो गए पैसेज। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो आपको उसी में चूज करना है कि उसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। द मर्टिस हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड, कह रहे हैं कि जो शहीद अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए भारत को स्वतंत्र कराने में। ठीक है, इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए वो क्या चाहते थे। ठीक है, वो क्या चाहते थे, तो इस पैसेज में आपको ढूंढना है। ठीक है, हालांकि ऊपर हो गया है लेकिन एक बार मैं आपको समझा देती। पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ये है, द कंट्री टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। क्या वो चाहते थे कि ये देश क्या हो, स्ट्रॉन्गेस्ट हो नेशन, मतलब ये संसार का मजबूत राष्ट्र बने। द कंट्री टू रूल ओवर द अदर नेशन, द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, वो क्या चाहते थे। इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो यही चाहते थे ना कि जो शहीद हो गए थे, जो अपने प्राणों को निशावर कर दिए थे, वो तो यही चाहते थे कि उनका देश क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, गुलामी और दासता से क्या हो, स्वतंत्र हो। एक बार हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन ही लेंगे। चलिए देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारा यही चाहता था ना कि जो शहीद थे वो क्या चाहते थे। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये वाली लाइन देखिए, दे वांटेड द नेशन टू बी फ्री फ्रॉम ऑल स्लेवरी एंड बॉन्डेज। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस लाइन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, पैसेज आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। बस आप वो क्या चाहते थे, शहीद क्या चाहते हैं कि क्या हो, बताइए कि इसका बी होगा। ठीक है, वो यही चाहते थे कि परफेक्ट कम्युनल लव पीस एंड इन कंट्री, देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि वो क्या चाहते थे कि देश पूर्ण सांप्रदायिक प्यार होना चाहिए और क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए। अब सांप्रदायिक से तो आप समझ लेंगे, आप पैसे उसी में ढूंढेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन थ्री देखिए, मतलब पैसे का क्वेश्चन थ्री देखिए। वी मस्ट स्ट्रीविस्ट टोटल कम्युनिटी मेंट टू, इसका बताइए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, वो क्या क्या होगा इसका। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, डिफीट एंड ओवरकम एंड इनेम्स ऑफ द नेशन। ठीक है, यही चाहते थे कि जो दुश्मनों को दूर किया जाए और उन्हें हराया जाए, मतलब कि द नेशन दुश्मनों को राष्ट्र से दूर किया जाए एंड डिफीट और क्या किया जाए, उन्हें हराया जाए। तो कैसे किया जाएगा कि जब हमारा राष्ट्र जिसमें महिलाओं और पुरुषों को एक साथ मिलकर के चलना होगा और उन्हें समान अधिकार मिलेगा, सब लोगों को एक मत होना पड़ेगा तभी हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, आवर फ्रीडम फाइटर, इसको देखिए, आवर फ्रीडम फाइटर्स इनविसेंट। ठीक है, इनविसेंट दैट इन फ्री इंडिया। ठीक है, अब इसको बताइए कि स्वतंत्रता सेनानियों के अनुरूप, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के अनुरूप इन फ्री इंडिया, इंडिया क्या है, फ्री होना चाहिए, तो इसमें आप बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, वो होगा बी। ठीक है, वुमेन वुड इंजॉय हाई प्रिविलेज एंड राइट्स देन अदर्स, क्या वो चाहते थे
कि महिलाएं जो है कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले और दोनों को समान अधिकार होना चाहिए, पुरुष और महिला को समान अधिकार होना चाहिए। चलिए स्पॉन्डिंग एरर देखिए फ्रेंड्स। द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एग्जाइटिंग द स्पीड लिमिट। ठीक है, तो इसको बताइए, इसमें ये आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसमें एरर किस में है। ठीक है, एरर किस में है, किस ऑप्शन में है। देखिए द ड्राइवर वॉज पुट, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी इन द प्रिजन हो गया, फॉर एक्साइटिंग एथ सी हो गया, द स्पीड लिमिट ये डी हो गया। तो बताइए क्या होगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपको एरर मिलेगा बी वाले में। ठीक है, आपको एरर मिलेगा बी में। ठीक है, बताते हैं क्यों होगा। क्योंकि ये जो द है फ्रेंड्स ना, द यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्कूल, टेंपल, हॉस्पिटल, जेल, जब ये आते हैं तो जब हम यहाँ पे विशेष कार्य के लिए जाते हैं तो ठीक है, तो उसके पूर्व इन्फिनिटिव जो आर्टिकल होता है उसमें द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि द ड्राइवर वॉज पुट। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ लीजिए, इसी वजह से वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए और अन्य 52 को देखिए। ये देखिए, ये है अलोंग विद, ठीक है, अलोंग विद टीचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वाच होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट लॉन्ग विथ से जोड़ा गया हो या अलग किया गया हो। ठीक है, ये देखिए, ये जो लॉन्ग विथ है, तो जो ये सब्जेक्ट है वह इससे जोड़ा गया हो या अलग किया गया हो, तो वर्ब का नंबर और पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वर नहीं होकर के वहाँ यहाँ पे वाज होगा, क्योंकि यहाँ पे द प्रिंसिपल है। ठीक है, द प्रिंसिपल है। देखिए, नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगेन टू रेन, नो एरर। ये आपको बताना है कि इसमें किसमें आपको एरर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे नो सूनर हैड है, ठीक है, द डॉक्टर इंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर्ड हो जाएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हैड है। ठीक है, हैड है, तो ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि एरर किस में मिला है आपको, बी में मिला है। ठीक है, एरर आपको किस में मिला है, बी में मिला है। अंडरलाइन में कर देती हूँ, आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे इंटर है, इंटर्ड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, चलिए पैसिव वॉइस देखिए। Who taught you grammar? ठीक है, तो अब फ्रेंड्स जब एक्टिव वॉइस हु से शुरू होता है, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब वो एक्टिव आपका हु से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई होम का करते हैं। ये देखिए रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हु टॉट यू ग्रामर, या आप इसमें बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, ये हु है, जब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में हु आएगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस में मिल रहा है, हु हैज़ बीन टीचिंग ग्रामर टू, इसका कोई सवाल ही नहीं, ग्रामर वॉज इसका भी कोई नहीं है, तो ये देखिए सी देखिए, बाई होम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया है, ग्रामर हो गया है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 155 देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि कभी कभी ऐसे एग्जाम में देता है कि आपको क्वेश्चन नहीं देता है और फोर ऑप्शन ही दे देता है, तो उसी में से आपको करेक्ट आंसर को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो आप इसमें ढूंढिए इसमें कौन सा करेक्ट है। आपके पास क्वेश्चन ही है, बस आपको इस फोर ऑप्शन में से आपका आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है, ये देखिए रूल भी मैंने लिख दिया है, तो आप इसमें मैच करिए कि कौन सा इसमें आपका मैच कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आप बाद में उसको देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग यही करेक्ट है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, बर्बाद करने से फ्रेंड्स, तो आप इसका डी करेक्ट आंसर है। आप रूल के अकॉर्डिंग आप अपना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं कांचा सिंह आपसे इजाजत चाहती हूँ। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।